हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह के टाइम से ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आज सुबह उठी थी 6:30 बजे। अब मैं रोज 6:30 बजे उठ रही हूँ, तो बस नहाया, उसके बाद थोड़ा बहुत काम था किचन का, खाना वाना का, सब्जी वगैरह कट करने का, वो सब करके फिर यहाँ पर मैंने अपने लिए बना लिया चाय। और मैं अब चाय पी लूँ, और यहाँ पे सोफा में देख रहे थे कि छिपकली तो नहीं है। चाय तो मैंने पी ली है और अभी बज रहे हैं 9:30। मैं भी थोड़ी देर में पराठा बनाऊंगी हस्बैंड के लिए, वो अभी सो ही रहे हैं। आज आज आयना ऐशी को भी मैंने ही रेडी करके भेजा है। वैसे तो किचन का इतना काम होता है कि हस्बैंड ही रेडी करते हैं ऐशी को, आयना तो खुद हो जाती है, लेकिन आज वो उठे ही नहीं तो फिर मैंने ही रेडी किया। इसलिए मैंने खाना पूरा नहीं बनाया, सिर्फ सब्जी पराठा बनाया, भिंडी की सब्जी और पराठा। और बस अभी पूजा करके चाय पी है। घर वगैरह भी थोड़ा बिखरा ही हुआ है, वो सब मैं साफ करूंगी। अभी हस्बैंड उठे नहीं है, वो उठे ऑफिस जाए, उसके बाद मैं घर जो है वो साफ कर दूंगी। और बाकी घर ही साफ करने का थोड़ा बहुत काम है, और तो ज्यादा कुछ काम है नहीं, बन ही गया खाना। और अगर दोपहर में मेरा मन होगा तो दाल चावल बच्चों के लिए बना लूंगी। फोल्डिंग रात में यहाँ पर हम लोग रखते हैं, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, एसी इसी रूम में है, तो यहाँ पे ये फोल्डिंग हो जाती है, तो आराम से आ जाता है। अभी मैंने फोल्डिंग जो है फोल्ड करके रख दी है, और उसका गद्दा यहाँ पे रखा है, तो ये चलते हैं उस वाले रूम में लेके बाहर वाले, और ये बेड ठीक करते हैं। आप लोग देखो कितने सारे चद्दर उद्दर सब पड़े हुए हैं। चाय पीने के बाद फिर मैं फ्री थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सुबह स्कूल जा चुके हैं। 7:30 बजे तो यशी चली गई थी और 8:30 बजे आयना। उसके बाद फिर थोड़ा बहुत हस्बैंड का जो लंच था उसका काम था, वो सब बनाया, और हस्बैंड ऑफिस चले गए। उसके बाद अभी मेरा घर का जो क्लीनिंग का टाइम होता है 9:30 से 11, 11:30 मान लो आप, तो वही अभी टाइम चल रहा है। तो जो भी घर में सामान बिखरा हुआ फैला हुआ है वो सब ठीक ठाक कर दे, घर को एकदम करते हैं क्लीन। थोड़ी देर में खुशबू आ जाएगी तो झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो भी टाइम होता है उसमें मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग करती हूँ। तो अंदर वाले रूम में काफी सारी बेडशीट वगैरह बिखरी हुई थी, तो वो सब मैंने क्लीन किया। और मैं ना थक जाती हूँ, सुबह 6:30 बजे से नॉन स्टॉप मुझे लगे रहना पड़ता है। मैं बिल्कुल भी 10 से 15 मिनट का भी रेस्ट नहीं कर सकती। अगर मैं 10 से 15 मिनट रेस्ट करूँ तो लेट हो जाएगा, क्योंकि पहले यशी के लिए अगर एक ही टाइम हो ना, जैसे आयना और यशी का एक ही टाइम हो स्कूल जाने का, तो मुझे आराम रहे। लेकिन कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है, बच्चे हैं स्कूल जाना है तो थोड़ा उनको भी टाइम देना पड़ता है, खाना वगैरह जो है टिफिन जो रेडी करना है वो अलग है, बट बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होता है। क्योंकि ये मेरे को फील होता है कि अभी बच्चे जाएंगे, 5-6 घंटे बाद आएंगे, तो उनके साथ थोड़ा सा 10-15 मिनट ही बट टाइम मैं उनके साथ स्पेंड करूं तो मुझे फील होता है, इसलिए मैं उन लोग को टाइम देती हूँ। बाकी मेरे पास टाइम रहता नहीं है कि मैं बिल्कुल भी रेस्ट करूं। नॉन स्टॉप 6:30 बजे से 9:30 बजे तक मेरा काम ऐसा रहता है कि मैं उसमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर सकती। व्लॉग कई बार ऐसा होता है कि मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पाती हूँ, इतना लेट हो जाता है। तो बस यही सब चीज़ें जो है वो डेली रूटीन में मेरी लगी रहती हैं बिना किसी ब्रेक के। हाँ, कभी बहुत तबीयत खराब हो गई ना तभी इन सारे कामों से मुझे छुट्टी मिलती है, वरना कोई छुट्टी नहीं है, नॉन स्टॉप मेरे को काम करना होता है। और काफ़ी लोग को लगता है, जो लोग बहुत मैच्योर टाइप के होते हैं ना, उन्हें लगता है कि हाँ घर पे तो कोई काम ही नहीं होता है, बस खाना ही तो बनाना होता है, झाड़ू पोछे के लिए मेड लगी है, बर्तन के लिए मेड लगी है, काम ही क्या होता है। तो जब उन लोगों के ऊपर काम पड़ता है ना, तब उन लोगों को समझ में आता है कि क्या काम होते हैं क्या नहीं। खुद से तो कोई काम बनता नहीं है और दूसरे के ऊपर कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं फैमिली में, सबकी फैमिली में होते हैं, तो कभी कभी सोच करना गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है कि इतना अपना, मतलब हम लोग हुलिया खराब कर लेते हैं, सच बता रही हूँ मैं, हम लोग अपना पूरा हुलिया खराब कर लेते हैं घर को संभालने के लिए, और लोग तो बस बोल के चले जाते हैं काम ही क्या है, मेड तो लगी हुई है, सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है। दोनों रूम और हॉल मैंने क्लीन कर दिया है, और अभी बचा है किचन। किचन में थोड़े बहुत बर्तन रखे हैं स्टैंड में लगाने के लिए, और किचन पोछनी भी है। और मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी ना, भिंडी की सब्जी खत्म ही हो गई, मेरे लिए बची भी नहीं है। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाऊँ। मैंने सुबह चाय और ब्रेड खाया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं था, सब्जी होती तो मैं सब्जी पराठा खा लेती। अब या तो मैं अपने लिए सब्जी बनाऊँ जो कि मुझसे हो नहीं पाएगा, तो या तो मैं अचार पराठा खा लूँगी, क्योंकि दाल और चावल तो मैं दोपहर में बनाऊँगी गर्म गर्म जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, अभी दाल बनाने कोई मतलब नहीं है, तो अचार पराठा खाऊँगी। अभी फ़िलहाल मुझे सब्जी लेनी भी थी, क्योंकि आलू एकदम ख़त्म हो गए हैं, हरी सब्जी तो पड़ी है बट आलू ख़त्म हो गए हैं, तो मैं देखती हूँ अगर आए होंगे सब्जी वाले भैया तो मैं ले लेती हूँ। चलिए चलते हैं बाहर। अभी तो बच गए हैं 1:30, यशी के आने का टाइम हो रहा था, बस मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। और अभी फ़ोन आ गया था घर से ही, पहले अंजलि से बात कर रही थी, मैं उतनी देर से टाइम ही पास कर रही हूँ, कोई काम हो तो है नहीं मेरे पास, आज मैंने वीडियो भी एडिट नहीं करी है,
तो घर से कॉल आ गया, तो बस बातें कर रही थी मैं, और बस अभी अंजलि सॉरी अभी यशी आ जाएगी तो फिर तो मेरा टाइम पास हो जाएगा, पता नहीं चलता है फिर बच्चों के आने के बाद टाइम। और बस मैं यशी का वेट कर ही रही थी, यशी की वैन आ गई तो अभी मैं इसको नीचे आजकल लेने चली जा रही हूँ, क्योंकि इसका बैग जो है वो फर्स्ट क्लास में चली गई है, तो बुक्स बहुत सारी हो गई हैं, बैग जो है वो हैवी हो गया तो सीढ़ियों से ये नहीं ला पाती, तो मैं बस लेने चली जाती हूँ। और यहाँ पर मैं इसका लंच बॉक्स चेक कर रही थी, तो इसने पराठा ना एक ही खाया था और एक छोड़ दिया था, और बोल रही थी मैं एक्चुअली इधर 2-3 दिन ये स्कूल नहीं गई थी तो इसका वर्क रह गया था, तो वही मैं इसका चेक कर रही थी इसने किया या नहीं किया, लेकिन ये नहीं कर पा रही है। बोल रही मम्मी डेली इतना मैम लोग वर्क करवाती हैं कि जो पेंडिंग वाला वर्क है वो इससे हो नहीं पा रहा है। तो अभी मैंने खैर मैम को मैसेज भी किया था कि आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, बट उन्होंने किया नहीं है। अब देखती हूँ कैसे मैं इसका वर्क कम्प्लीट। कहाँ जा रही हो तैयार होके? टीवी देखोगी? टीवी नहीं देखते? गंदी बात होती है। क्या खा रही हैं आप? नमकीन। और लंच तो पूरा छोड़ दिया है, ये देखो नमकीन खा के अपना लंच खाओगी ठीक है, और मैं अभी बनाऊंगी गर्मा गर्म खिचड़ी या फिर दाल चावल, क्या बनाऊं बताओ? यशी बोल रही है कढ़ी चावल बनाओ, कढ़ी चावल कढ़ी बनाऊंगी, खिचड़ी थोड़ा सा बनाऊंगी। और अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने लिए शिकंजी, मुझे बहुत प्यास लग रही, गला सूख रहा है मेरा, तो शिकंजी पी रही थी। नींबू 2 थे 3-4 होते तो और अच्छा बनता, बस जो भी है बना ले रही हूँ मैं। हाँ खाली हो गया पेट? नहीं, चाल थी मेरी बिस्किट के नाम से तुरंत हाँ बोल दी, थोड़ी सी भूख लगी है ना, पराठा सब्जी खा लेना अपना, पराठा सब्जी के नाम से कह रही पेट भर गया, अच्छा बिस्किट बोले तो कह रही हाँ ले आओ। और आज ना मेरा बहुत ज्यादा गला सूख रहा था, तो इसीलिए मैंने शिकंजी बना ली थी दोपहर के टाइम पे। फिर मैं आयना का वेट कर रही थी, बहुत धूप थी तो टॉवल सर पे डाल के वहाँ पे खड़ी थी मैं, आधे घंटे पहले से ही देखती रहती हूँ, आती जाती रहती हूँ बालकनी में कि कहीं वैन आ तो नहीं गई। होता क्या है कि कभी कभी बंदर अचानक से ही आ जाते बहुत सारे, और कुछ भी भरोसा नहीं है जानवरों का, एक बार आयना के ऊपर हमला कर भी चुका है, तो इसीलिए बस मैं डरती रहती हूँ और बालकनी में मैं आधे घंटे पहले से ही देखती रहती हूँ, क्योंकि कभी कभी वैन पहले भी आ जाती, कभी कभी लेट भी हो जाता है, कुछ भरोसा नहीं रहता ना इसलिए। और अभी बच्चे तो टीवी देख रहे हैं, थोड़ी देर में इन्हें पढ़ाऊंगी मैं यहाँ पर जो कपड़े थे वो सब मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ। देखो यहाँ पे सारे कपड़े मैंने कर दिए फोल्ड, आने जी यहाँ बैठी हैं, मैं कपड़े ये रख देती हूँ। कब मारा झूठ क्यों बोल रहा है ऐसी? कपड़े काफी सारे थे और इनके भी थे जो मुझे प्रेस के लिए देने हैं, तो मैं तो नहीं दूंगी प्रेस के लिए, मैं इस बैग में अलग से भर के रख दे रही हूँ, इनको जब देना होगा वो देंगे, मैंने बस भर के धुल करके रख दिए हैं। और बाकी जो कपड़े थे फोल्ड करके कबर्ड में रखने वाले तो मैंने कबर्ड में रख दिए। गाइज अभी ना 4:30 बज रहे हैं, 4:30 क्या मतलब 5:15 है, और आयना यशी जब से आएंगे तब से फोन टीवी यही सब देख रही है, और अभी मैंने टीवी बंद नहीं, आयना ने टीवी बंद की तो आयना मेरा दूसरा वाला फ़ोन लेकर के बैठ गई है। अब ये फ़ोन उन मिल से ले लूँ, इनका वर्क करवाऊँगी जो भी इनका स्कूल से होमवर्क मिला है, वरना थोड़ी देर में तो शाम हो जाएगी फिर ये पढ़ेंगी नहीं, अभी पढ़ लेंगी और 6 बजे तक ये लोग पढ़ लेंगी, फिर चाय वगैरह बनाऊँगी 6 बजे। और आज मैंने किचन साफ़ ही नहीं किया सुबह से, तो मैं किचन साफ़ करूँगी, इन लोग को वर्क दूँगी। आयना ऐसी वर्क करने के लिए रेडी हो जाओ, फ़ोन रख दो, चलो मैं दोनों का बैग लेकर आ रही हूँ ठीक है। और उसके बाद कपड़े रखने के बाद अब मैं इन लोग को पढ़ाऊंगी, पढ़ाने का काम खत्म होगा तब तो शाम की चाय का टाइम हो जाएगा, फिर मेड मेरी बर्तन धुल के आएगी तो उसको मुझे स्टैंड पे लगाना होगा, फिर वो काम खत्म होगा तो रात के खाने की तैयारी होगी। तो इसी तरह आप लोग खुद ब्लॉग में देख लेते हो कि मेरा जो डेली रूटीन होता है वो कितना ही काम इसमें होते हैं,
और इतना नॉर्मल नहीं होता है या इतना इजी नहीं होता है घर को संभालना बच्चों के साथ, वो भी दो दो बच्चों के साथ। इनका अगर कोई, मैं कहती हूँ ना कि अगर बच्चों की खाली दो बच्चों को ही संभाल लेना कोई, उनकी लड़ाई झगड़े सॉल्व करवाना, उनका खेलना, उनकी पढ़ाई, उनका खाना, तो मैं उसको ही एड्स ऑफ करती हूँ और उसके साथ साथ घर को संभालना। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं, आज मुझे थोड़ा सा गुस्सा है किसी के ऊपर, इसीलिए मैं व्लॉग में ऐसे बोल रही हूँ, बट बोलना भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं कि वो बहुत बड़ा काम करते हैं और हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बस फ्री बैठे रहते हैं घर पे। तो इसीलिए मुझे आ रही गुस्सा, और मेरे माइंड में जैसा रहेगा वैसा ही तो मैं व्लॉग में वॉइस ओवर करूंगी। तो खैर, अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का शुरुआत हो गई है, मॉर्निंग की शुरुआत होते ही काम भी शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को बताया था कल की हम लोग फोल्डिंग एक्स्ट्रा यहाँ पर रखते हैं, तो बस यहाँ पर फोल्डिंग आज सुबह सुबह ये काम कर रही हूँ। वैसे ये काम मैं सुबह सुबह नहीं लगती हूँ, सुबह सुबह सीधे मैं जाती हूँ किचन में, बट थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी आज, मुझे रात में नींद ही नहीं आती तो मैं जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सोचा चलो रूम ठीक कर देते वरना ये 10-11 बजे तक ऐसे फैला हुआ बिखरा हुआ पड़ा रहता है। तो बस फोल्डिंग फोल्ड करके रखी, गद्दे हटाई, बेडशीट सारी फोल्ड करी, 3-4 बेडशीट तो यहाँ पे पड़ी थी। उसके बाद फिर कूड़ा लेने के लिए आंटी आ गई थी, वो भी 6:30-7 पर आ जाती हैं, तो उनको मैंने कूड़ा दिया। और देख लो आप लोग, अब सुबह सुबह से आप लोग खुद ही व्लॉग्स में देख लो कौन कितना काम करता है कौन कितना नहीं करता है। तो बस कूड़ा देकर के आई, फिर यहाँ पर फटाफट से मिल्क बॉईल करने के लिए रखा, सब्जी कट करनी थी सब्जी कट करी, सब्जी बनाई, और अभी मुझे पराठे बनाने हैं, फिर यशी की चोटी बनानी है, तब वो स्कूल जाएंगी। सब्जी अभी कट नहीं की, अभी बाहर वाले रूम में ला करके रखी हूँ, बस अभी यहाँ पर रूम ठीक कर दिया है, उसके बाद सब्जी कट करूंगी आज। ये इसको आप लोग क्या बोलते हो, हमारे तरफ तो निनुआ और तरोई, ये दोनों चीज़ बोला जाता है। तो इसमें थोड़े से मैंने आलू भी मिक्स किए क्योंकि सिर्फ इसकी सब्जी आए ना और यशी बिल्कुल भी नहीं खाने वाली, वो छोड़ के आ जाती, तो इसीलिए मैंने थोड़े से आलू मिक्स कर दिए थे। फटाफट से सब्जी बनाऊंगी, भागा दौड़ी का काम है एकदम इस टाइम पे। तो बस सब्जी बना करके मिल्क भी ठंडा करने के लिए रखा हुआ है, जल्दी से ठंडा हो जाए तो यशी पी ले, फिर पराठा बनाऊंगी। और यशी कभी कभी आलू के पराठे या इस तरह की चीज़ों की जिद करने लगती है, तो वो भी मुझे देखना पड़ता है। तो इसी तरीके से अभी तो फिलहाल 9:30 तक तो ऐसे ही काम होना है हड़बड़ी वाला। और यशी रेडी हो गई, इसकी चोटी भी बन गई, अभी ये जाएंगे स्कूल। मैं ये वाला व्लॉग भी यहीं पे एंड करूंगी, और कैसा लगा है आप लोग कमेंट कर देना, लाइक कर देना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।